लिए आपको ब्लीच क्रीम चाहिए होगी। मैं यहाँ पे ओलिविया ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करूंगी। आपके पास अगर जार है तो आप उसमें से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिए। और मैं यहाँ आपको साशे दिखा रही हूँ वो इसलिए कि अगर आपके पास इसका पैकेट है तो आप उससे भी इसी तरह का रिजल्ट ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसके साथ जो पाउडर मिलता है वो हम लेंगे। जो आपने अगर चेहरे पर इस्तेमाल करें तो देखेंगे हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया। अगर आप हाथ और पाँव पे भी करना चाह रहे हैं तो आप चेहरे पर अप्लाई करने के बाद बाकी की ब्लीच में ये बाकी का सारा पैकेट डाल दीजिए और इसे अपने हाथ और पाँव पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी जेल को कोई नुकसान नहीं होगा। इनके साथ की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप इसे करने से अवॉइड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूथिंग लोशन। ये आपको किसी भी सुपर मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, जहाँ से आप कॉस्मेटिक्स क्रीम्स और लोशन वगैरह खरीदती हैं वहीं से आपको ये सूथिंग लोशन आसानी से मिल जाएगा। मैं यहाँ सॉफ्ट टच का सूथिंग लोशन इस्तेमाल कर रही हूँ। सर्दी की वजह से लोशन फ्रीज हुआ है लेकिन कोई मसला नहीं है। आधा चम्मच मैंने इसमें से निकाल लिया लोशन का। अब यहाँ बहुत सारे दोस्त ये सोचेंगे कि सूथिंग लोशन हमें समझ नहीं आया, तो मैंने आपको दिखा भी दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो कोई लोशन सर्दी में इस्तेमाल कर सकती हैं या करती हैं उसके 5 से 6 ड्रॉप शामिल करें। और अगर आप सूथिंग लोशन ही ऐड करिए तो आप आधा टी स्पून उसमें शामिल कर सकते हैं। ये आपकी व्हाइटनिंग को डबल करेगा और स्किन पर किसी किस्म की कोई एलर्जी या इचिंग नहीं होगी। अब मेरे पास सॉफ्ट टच का है टैल्कम पाउडर, जो आप अपने छोटे बच्चों को पाउडर लगाती हैं। वो तकरीबन आपने 4-5 चुटकी लेना है, ज्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ 4-5 चुटकी टैल्कम पाउडर कोई भी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। और अब हम फाइनली इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। इसी तरीके से आपने इसको बनाना है, कोई चीजें आगे पीछे नहीं करनी कि आपको इनको मिक्स करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी हो। यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे कि इसका पाउडर के जो दाने हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, वरना आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम इसमें आलमंड ऑयल मिलाएंगे, 5 से 7 ड्रॉप्स बादाम का तेल, क्योंकि सर्दियां हैं तो बादाम का तेल व्हाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। इनकेस अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप नारियल का तेल मिला सकते हैं। 5 से 6 ड्रॉप्स मैंने बादाम का तेल इसमें मिला दिया है। और अब तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी देर में सब्सक्राइब कर लें आप। अगर देखें आपका वीडियो के नीचे सुरख बटन जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो सुरख है तो आप इसको क्लिक करें और साथ बेल पे भी क्लिक कर दें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको डेली मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर बटन व्हाइट है दैट्स मीन आप सब्सक्राइब पहले से कर, और अगर बटन व्हाइट है तो इसका मतलब यह है कि आप पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसमें हम ब्लीच क्रीम शामिल करेंगे। ब्लीच क्रीम को शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और आपने कमेंट्स भी करने हैं। और जिनके कमेंट्स का रिप्लाई आपको नहीं मिलता तो आपने परेशान नहीं होना और गुस्सा भी नहीं करना, हमेशा की तरह आपसे मेरे साथ कॉपरेट करना है। क्योंकि मैं तकरीबन मुझे 1 साल 2-3 माह हो गए हैं चैनल को माशाल्लाह से चलाते हुए आप लोगों के तावन से, अल्लाह पाक के फजलो करम से, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कमेंट्स का जवाब नहीं दिया हो। तकरीबन 8-10 मौके ऐसे आए हैं जिसमें कमेंट्स का अगर रिप्लाई नहीं दिया गया तो बाद में हमने तमाम कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं और हम सबके कमेंट्स का अलग से जवाब देते हैं। इसलिए आपने सब्रतामल के साथ मेरी प्रॉब्लम को समझना है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ही मामला और बेहतर होते जाते हैं अल्लाह पाक के फजल करम से तो रेगुलर भी हो जाएंगे, आप लोगों के साथ डेली शेयर भी किया करेंगे। क्योंकि सर्दी बहुत है तो मेरा इसको अप्लाई करने को दिल नहीं कर रहा, तो आपने इसको अप्लाई करना है। अगर आप चेहरे पर अप्लाई करें तो आपने इसको 15 मिनट के बाद वॉश कर देना है। और अगर आप पूरा पैकिंग पाउडर का डाल के यानी 1 चम्मच पाउडर का डाल के तो उसे हाथ और पाँव पे अप्लाई करनी है तो आपने बिना डरे इसको 25 से 30 मिनट लगे रहने देना है। इस दौरान अगर ये ड्राई हो जाता है, वैसे तो सर्दी नहीं होता, तो आप वाटर पंप से या पानी थोड़ा सा अपने शावर की मदद से हाथों पे ठंडा पानी डाल लीजिए, शावर कर लीजिए, उसको ब्लीच करिए ब्रश की मदद से दोबारा से, और फिर ब्लीच को लगा रहने दीजिए। इस तरीके से 25 से 30 मिनट पूरे कीजिए और फिर वॉश कर लीजिए। इस ब्लीच क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन अगर ब्लीच करने से फट जाती है, ड्राई हो जाती है, एकदम सफेद खुरदरी देर रौनक हो जाती है, वो भी नहीं होगी, फूलों की तरह बिल्कुल नर्म मुलायम सॉफ्ट स्किन हो जाएगी, ग्लोइंग भी हो जाएगी, नर्म मुलायम बहुत प्यारी सी बच्चों की जैसे आपकी स्किन हो जाएगी। जिस तरीके से आपको बताया, वीडियो कब की खत्म हो चुकी है और आपके सामने चल रहा है आज का लेसन, जिसमें बोल के भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा सबक है इसके अंदर, कि इंसान किसी दूसरे इंसान की दी गई छोटी सी टॉफी या चॉकलेट मिल जाने पे उसका बहुत सारा शुक्रिया अदा करता है।
और अगर अल्लाह ताला इतनी सारी खताओं पर भी माफी दे रहा है मगर हम फिर भी उसका शुक्र अदा नहीं करते करते छोटे से लेसन हमें बहुत कुछ सीखा होगा इसके अंदर बहुत कुछ है अगर हम इसको समझना चाहें या इसमें अमल करना चाहें अल्लाह पाक आपको मुझे हम सब कुछ अमल करने की तौफीक दे अल्लाह पाक आपके और हमारे पेरेंट्स का साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों का हमारा साथ इसी तरह से बना रहे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो एक तरह की वीडियो देख के बोरियत हो रही है उस बोरियत का मुझे भी एहसास है तो अंतिम इंशाल्लाह ताला हम यूट्यूब हेल्थ से हट के थोड़ा एंटरटेनमेंट के तौर पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अच्छी वीडियो लेके आएंगे कक्षा करेंगे इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स मैं वापस आ रही हूँ आप लोगों से कक्षा फिर बहुत ज्यादा मिस करती हूँ आप लोगों को तो इंशाल्लाह ताला पहले की तरह अच्छे से हम लोग बातचीत करेंगे और मस्ती मौज करेंगे ढेर सारा ख्याल रखना है परेशान नहीं होना और कमेंट्स में अगर आप अपने बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं कि वो वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं और समटाइम अगर मैं नहीं टाइम दे पाती तो मेरे रेगुलर व्यूवर्स मेरे फ्रेंड्स आप सबसे बता रही है कि आप प्लीज शेयर करिए अगर आप सॉरी आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए उनको जवाब दीजिए अगर आपके इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है एक लाइक तो बनता है ना और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक होंगे चमकदार चेहरा आंखों को बहुत भला महसूस होता है खूबसूरत और चमकदार चेहरे की हर किसी को ख्वाहिश होती है लेकिन चमकदार स्किन हर किसी की नहीं होती चमकदार स्किन के लिए खवातीन मुख्तलिफ किस्म के टोटके और